हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मिलने वाली है जो कि रिलेटेड है सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके रंग से रिलेटेड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रह किस रंग का है, एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, अपने सौरमंडल से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये उसी की आसान सी ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को, देखते हैं। हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है। हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। देखा आपने, ये ट्रिक है। अगर ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो आपको सभी ग्रह के रंग याद हो जाएंगे, और ये छोटे से बच्चों को लेकर, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर बड़ों तक के काम की ट्रिक है। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। एक्सप्लेनेशन है, हम हैं नीले यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमने हम हैं नीले को पृथ्वी से किया है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो ग्रह नीला है, पृथ्वी का जो ग्रह का कलर है वो नीला कलर है। और ये क्यों है, जल की वजह से, जल का हल्का कलर की वजह से नीला कलर है। पति है पीले यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति में पति आता है तो बृहस्पति पीला होता है, बृहस्पति का पीला होता है SO2 के कारण। शुक्र बहन चमकीली है यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो चमकीला है, चमकीला जो शाइनिंग वाला कलर होता है, चमकीला वो ग्लिटर जैसा चमकीला। शनि है काला, शनि काले काले, आप सबको पता होगा शनिदेव का जो पूजा भी मंदिरों वगैरह में की जाती है, काला उनका रूप लिया जाता है, काला पत्थर पे होता है, तो N2 के कारण शनि का कलर काला है। लाल है मंगल, मंगल ग्रह जो है वो लाल कलर का है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। और अरुण पर हरियाली है, अरुण जो है वो हरा है, इसलिए हरियाली को हमने उससे राइम किया है, अरुण पर हरियाली है, अरुण का जो कलर है वो हरा है मिथेन के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आसान सी GK की ट्रिक। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग देख चुके, तो आई होप ये अच्छी सी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आसान भी थी, बहुत छोटी सी थी, और ये छोटे से फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर बच्चों तक के बड़ों तक के काम की ट्रिक थी। तो इसको आप आसानी से याद करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं एक नई ट्रिक के साथ, एक नए वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग से आपके लिए लाती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।